फाखिर तभी से बात करो। बेटी है वो मेरी, अब तुम्हारी बीवी भी। जबरदस्ती की बीवी है, नहीं चाहिए भाई, रखे अपने पास उसको। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, इतने सारे लोगों के सामने बाप के साथ बदतमीजी कर रहे हो। शादी करिए यार आप लोगों ने मेरे साथ, यही क्या कि उन्होंने मेरी शादी करवाई है ना, कि मरने वाले मरने वाले, अब क्या हो गया इलेक्शन लड़ने जाके। यार क्या हो गया, किस बात का शोर है? मुझे समझ नहीं आ रही कि इस लड़के के साथ मैं क्या करूं, कि जबान बंद नहीं होती। हाँ, लोग आए हुए हैं, अपने बाप की बेइज्जती कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। हुक्का किए आप लोगों ने मेरे साथ, जबरदस्ती यानी को मेरे साथ बांधी है। फाखिर तभी से बात करो। बेटी है वो मेरी, अब तुम्हारी बीवी भी। जबरदस्ती की बीवी है, नहीं चाहिए भाई, रखे अपने पास उसको। इतनी बार आप लोगों इस चीज कहती, नहीं मिलता हमारा मिजाज, लेकिन किसी के समझ में नहीं आती। ये है खुशी हमारी, अब देख ले, खुश है हम लोग, बोलाते खुश है आप लोग। ये ऐसे भाभी देख रही है, किसका बात कर रहे हैं मेरी बेटी के बारे में? क्या ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए भाई साहब ने मेरी खुदा की? हाँ तुम तो चुप कर जाओ आयशा, चुप कर। जबान देखी है तुमने इसकी, ये किस तरह बात करता है मेरे साथ, एनी के साथ? जबान बेटा हाथ क्यों उठा रहे हैं आप उस पर? इसी दिन के लिए कहा था किसकी शादी मत करें, बच्चा है नहीं उठा सकता है इन रिश्तों का बोझ, लेकिन यहाँ सुनता कौन है? अब जाए मैं इसको समझा लूं। क्या समझाएंगी अम्मा आप मुझे? यही तो जवाब है आप लोग के पास, हाथ उठा दो औलाद पे। इसको कहो कि चुप कर जाए, चुप कर जाए, वरना मैं इसकी जुबान, मेरे पे पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इसको कहो तंग मत करे मुझे, मैं समझाती हूँ उसको। अब जाए परेशान ना। क्यों आप लोग मेरे कमरे से? बस ठीक है, मैं सही हूँ। क्यों अपने बाप के साथ? बस ठीक है, जाए।